हमें अपना साइंस प्रोजेक्ट चार्ट बनाते वक्त कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि एक कलर चार्ट चाहिए होगा, इनमें से कोई भी एक कलर चार्ट हो सकता है। उसके साथ साथ हमें चाहिए होंगे कलर A4 साइज शीट पेपर्स, और इसके साथ साथ हमें चाहिए होंगे कलर स्केच पेन। और हमें इसके साथ साथ चाहिए होंगे पेंसिल, रबर, कैंची, पेन, ब्रश, पेन और पटरी। और हमें चाहिए होगा कलर टेप अपने चार्ट पर लगाने के लिए। और इसके साथ साथ हमें एक थर्माकोल चाहिए होगा, जिस पर कि हम अपने चार्ट को चिपकाएंगे। और इसके साथ साथ हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, जैसे कि ग्लू गम गन, जिससे कि हम अपना चार्ट आसानी से बनाएंगे। और दोस्तों, एक आवश्यक सूचना है आप सभी के लिए, दोस्तों अगर आप यह चार्ट नहीं बनाना चाहते हैं, आप कोई दूसरा चार्ट बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट प्रोजेक्ट मॉडल चार्ट 100+ के नाम से बनाई गई है, जिसमें 100+ चार्ट मॉडल प्रोजेक्ट उपलब्ध हैं, जिसमें से कोई एक चार्ट आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हो सकता है। ये वो प्लेलिस्ट रही जिसमें कि 100+ प्रोजेक्ट मॉडल और चार्ट दिए गए हैं। हमें अपना चार्ट बनाते वक्त कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी। एक पेंसिल ड्रॉ करने के लिए, एक रबर डालने के लिए, एक कटर, दो स्केच मोटे वाले, एक स्केच इससे पतला, और कुछ स्केच हमें पतले वाले चाहिए होंगे इस टाइप के, जिसे कि हमको राइट करना होगा, लिखना होगा और आउटलाइन करनी होगी। एक कम मोटा स्केच जो कि मोटे वाले स्केच से कम मोटा होगा। इसके साथ साथ हमें स्पार्कर पेन, जो किरकिरा वाले होते हैं जिनको स्पार्कर पेन कहा जाता है, पेन चाहिए होगा एक। इसके साथ साथ हमें दो पतले वाले पेन चाहिए होंगे, मतलब कि दो पतले मार्कर, जो पतले मार्कर आते हैं जैसे कि आउटलाइन की जाती है, तो इस प्रकार से दो पतले मार्कर हमको चाहिए होंगे। इसके साथ साथ हमें कलर पेन चाहिए होंगे, 3-4 कलर पेन, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, उनको हटा देते हैं। ये आपके 3 कलर पेन हुए। इसके साथ साथ हमें एक कटर चाहिए होगा, जैसे कि हमें कुछ काटना होगा तो इस कटर से हम कुछ काट सकते हैं। इसके साथ साथ हमें एक गम चाहिए होगा, जिससे कि हम कोई भी चीज़ चिपका सकें, तो ये हमारा गम होगा, इस गम से हम कुछ भी चिपका देंगे। इसके साथ साथ हमें टेप चाहिए होंगे कलर वाले, ये आप देख रहे हैं ये कलर टेप। इन कलर टेप से हमें आउटलाइन करनी होती है अपने चार्ट की, तब इन टेप से अपने चार्ट की आउटलाइन कर लेंगे। इसके साथ हमें एक कैंची भी चाहिए होगी, क्योंकि हमें कुछ काट कर चिपकाना पड़ सकता है। चार्ट बनाने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, कि जैसे कि जिस सतह पर हम चार्ट बना रहे हैं उसके नीचे की सतह प्लेन होनी चाहिए, खुरदरी नहीं होनी चाहिए। अगर वो सतह खुरदरी होती है तो हमारा चार्ट फट सकता है। तो सबसे पहले नीचे आपके मेज होनी चाहिए, या आप फर्श पर भी चार्ट बना सकते हैं। चार्ट बनाते वक्त जब हम चार्ट को रखते हैं तो चार्ट हमारा गंदा नहीं होना चाहिए, और हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। अगर चार्ट हमारा गंदा हो जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो हमारा चार्ट साफ़ सुथरा हो इसके लिए हमें मेज़ पर या जिस चीज़ पर हम बना रहे हैं वहाँ पर हमें प्लेन पेपर बिछा देना चाहिए, प्लेन पेपर या कोई आप अखबार में बिछा सकते हैं, ताकि हमारा चार्ट गंदा ना हो। चार्ट बनाते समय दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली होती है, कि हमें जब चार्ट हम जब जिस अपने चार्ट को जब फैलाते हैं तो चार्ट हमारा कभी कभी इधर को आने लगता है या इधर से इधर को फोल्ड होने लगता है, तो हमें अपने चार्ट को इसको साइडों पर कुछ रख कर इसको इस प्रकार से हम इसकी साइड को दबा देनी चाहिए किसी चीज़ से, ताकि हमारा चार्ट फोल्ड ना हो। इधर भी हम इसको दबा। जब हम चार्ट पर पेंसिल अपनी चलाते हैं या कोई भी चित्र बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि हमें पेंसिल को डॉटेड चलाना है। कोई भी चित्र बना रहे हैं तो हमें पहले डॉटेड पेंसिल बनाते हैं, ऐसे ऐसे डॉटेड चलाते हैं। जब हमारा चित्र बन जाता है तो हम अपनी पेंसिल से डॉटेड को मिला देते हैं,
और फिर जब चित्र बन जाता है तब इसको हम डार्क कर देते हैं, क्योंकि अगर हम पहले ही डार्क बनाएंगे, अगर हमें बीच में कहीं पर मिटाना पड़ जाता है तो वो बहुत भद्दा लगने लगता है और हमारा चार्ट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि हमें डॉटेड लाइन बनानी है, क्योंकि डॉटेड लाइन जब हम बनाते हैं तो उसको मिटाना आसान लगता है, और जब हम उसको मिटाते हैं तो हमारे चार्ट पर कोई भी निशान नहीं पड़ता है और हमारा चार्ट देखने में भी अच्छा लगता है। अगर हम पहली ही बार डार्क लाइन बना देंगे तो चार्ट हमारा जो है भद्दा लगने लगेगा और मिटाते हुए हमारा चार्ट बहुत हल्का हो जाएगा। अगर साइंस प्रोजेक्ट की बात आती है तो कोशिका का चित्र जो है यह साइंस प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और इसको हम बहुत ही आसानी से बना भी सकते हैं। कोशिका में हम वनस्पति कोशिका या जंतु कोशिका किसी भी कोशिका का चित्र बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है वनस्पति कोशिका का चित्र बनाया है प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल का चित्र बनाने के लिए हमें एक व्हाइट चार्ट चाहिए होगा। व्हाइट चार्ट पे हम प्लांट कोशिका का चित्र जो है देखकर या कहीं से उसकी मतलब किसी भी तरह से बना सकते हैं अपने चार्ट पे। तो हमें अपने चार्ट पर क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, सबसे पहले हमें चार्ट पर जब भी हम चित्र बनाएं तो सबसे पहले हमको पेंसिल से चित्र बनाना है। सबसे पहले हमें पेन या मार्कर या स्केच का प्रयोग नहीं करना है। तो हम पेंसिल से सबसे पहले इसकी साइड्स को बनाएंगे। आफ्टर दैट जब इसकी साइड्स बन जाएंगी तो इसके बाद हम भीतर का इसके केंद्रक बनाएंगे पेंसिल से ही। ये रिक्तिकाएँ बना देंगे, ये माइटोकांड्रिया पेंसिल से बना लेंगे ये, और गॉल्जी का है इस तरह से या केंद्रक है। और इस प्रकार से जब ये हमारा बन जाएगा पेंसिल से सभी चित्र, फिर इसके बाद हम इनको पेन से यूज करेंगे, पेन से इनको जो है डार्क कर देंगे। क्योंकि पेन से यूज करने से ऐसा होगा क्योंकि ज़्यादा इसमें घिचपिच नहीं दिखाई देगा, बहुत ही क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर पेन ही यूज किया गया है ताकि इसमें, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट चित्र होते हैं तो इसके लिए हम सेलो पेन या कोई पतला पेन यूज कर सकते हैं ताकि इन जो है छोटे चित्रों को बहुत ही क्लियरिटी पूर्वक दिखाया जा सके। क्योंकि ये इतने छोटे छोटे चित्र हैं, इनको जो हम पेन से ही बनाएंगे तभी जो है इनको डार्क करेंगे तभी ये दिखने में अच्छे लगेंगे। तो जब हमारा इतना काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जब हमारा सेल बनके तैयार हो जाएगी, सेल बनके तैयार हो जाने के बाद हम इसका नॉमिनेशन कर देंगे। नॉमिनेशन हम पेन से भी कर सकते हैं, पेन या स्केच से भी ये इसका नॉमिनेशन कर देंगे। नॉमिनेशन करने के बाद हम इसको एरोज के माध्यम से, ऐसे पटरी और पेन की मदद से हम इसको एरोज के माध्यम से दिखा सकते हैं कि ये पार्ट ये है। तो इस प्रकार से जब हम इसको दिखा देंगे फिर हमारा जो है चित्र बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम अपने चार्ट की जो है चारों तरफ से टेपिंग कर देंगे, क्योंकि टेपिंग करने से हमारा चार्ट अच्छा लगने लगेगा। तो हम कोई भी कलर टेप जो हमको अच्छा लगे उसको हम अपने चार्ट के चारों ओर जो है लगा देंगे साइड्स पर। अगर हमें अपने चार्ट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाना है तो हमें अपने चार्ट के नीचे एक थर्माकोल का पेपर चौकोर, थर्माकोल लेंगे चौकोर, उसके ऊपर अपने चार्ट को जो है टेप की मदद से चिपका देंगे। तो उससे हमारा जो है चार्ट कड़ा दिखने लगेगा और बहुत ही अच्छा प्रतीत होगा। एक आवश्यक सूचना दोस्तों, अगर आप यह चार्ट नहीं बनाना चाहते हैं, आप कोई दूसरा चार्ट बनाने का मन करता है आपका, तो आप हमारी प्लेलिस्ट प्रोजेक्ट मॉडल चार्ट 100+ के नाम से एक बनाई गई है, जिसमें 100+ चार्ट मॉडल प्रोजेक्ट उपलब्ध हैं, जिसमें से कोई एक चार्ट या वीडियो या मॉडल या प्रोजेक्ट आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हो सकता है। वहां से आप उनको देखकर अपना चार्ट तैयार कर सकते हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको 100+ मॉडल और चार्ट और प्रोजेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको देखकर अपना चार्ट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, और जिन फ्रेंड्स ने भी या दोस्तों हमारे दोस्तों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो फ्रेंड्स कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा, हमारे चैनल वीडियो को शेयर भी किया होगा अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्रिएटिव
आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।